कहते हैं कि जिस घर के अंदर इज्जत ना हो, जिस घर में मान सम्मान ना हो, उस घर को छोड़ देना चाहिए, और जिस धर्म के अंदर मान सम्मान ना हो, इज्जत ना हो, उस धर्म को भी लात मारकर छोड़ देना चाहिए। वह काम करके दिखाया था भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर, हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और आज 14 अक्टूबर वही दिन है, 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हिंदू धर्म को छोड़कर, हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो आज वही समय है जो बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार होता है, और वह फिर भी इस हिंदू धर्म की चादर को ओढ़े रहते हैं। इस हिंदू धर्म में उन्हें मान सम्मान नहीं मिलता, फिर भी उसको नहीं त्यागते। बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते तो है, लेकिन उनकी कोई नहीं सीखता, उनकी कोई नहीं मानता। ये एक बहुत बड़ी विनम्रता है। इसके साथ मेरा नया जन्म होगा, इसके साथ मेरा नया जन्म होगा। मैं ना तो हिंदू देवताओं की पूजा करूंगा और ना ही हिंदू कर्म कांडों का पालन। आज के बाद जो 3 सिद्धांत बुद्ध ने बताए हैं, प्रज्ञा, सन्मार्ग और करुणा, जीवन भर मेरे कर्मों को दिशा देते रहेंगे। आज के बाद जो 3 सिद्धांत बुद्ध ने बताए हैं, प्रज्ञा, सन्मार्ग और करुणा, जीवन भर मेरे कर्मों को दिशा देते रहेंगे। जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। वो थे तो आज हम बात कर रहे हैं भारत रत्न, भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की, जिन्होंने भारत को संविधान दिया। वह भारत के बहुजन समाज के वंचित तबके को इज्जत व मान सम्मान दिया, जीने की राह दिखाई। और आज बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा धर्म चक्र परिवर्तन दिवस है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, जो आज नागपुर में दीक्षा भूमि के नाम से प्रचलित है। और आज हम बताते हैं आपको कि बहुजन समाज के लोग बाबा साहब को याद तो करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में चूक जाते हैं। और बहुजन समाज के लोग, जो आज के SC ST OBC व माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि बाबा साहब की बदौलत ही आज आप यहाँ पर पहुँचे हो। अच्छा खाते हो, अच्छा पीते हो, अच्छा पहनते हो, अच्छा ओढ़ते हो, लेकिन बाबा साहब का जो लाड संकल्प था, जो अंतिम संदेश था कि बौद्धिस्ट बने, वह नहीं कर पाता कोई। और आज हम कुछ चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म पर। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का एक वाक्य याद है हमें। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में कभी मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। हिंदू धर्म की उन्होंने क्यों आलोचना की, यह बात आप सब जानते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर जातिवाद था जो आज भी कायम है, पाखंडवाद था जो आज भी कायम है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म, जो शांति का प्रतीक है, मानव मानव में समानता का प्रतीक है, उस धर्म को अपनाया था। बाबा साहब अंबेडकर जी ने अकेले ही बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ली थी। हम आपको याद दिला देते हैं कि 5 लाख व्यक्ति थे उस समय। वह 5 लाख व्यक्ति उस समय के शूद्र थे, जो आज के समय में SC ST OBC व माइनॉरिटी में बटे हुए हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि केवल दलितों ने ही बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ, यह सब झूठ है। उस समय दलित का कोई वर्ड भी नहीं था, और वह दलित की तो आज राजनीति होने लगी है। उस समय शूद्र, जो आज के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वह सब लोग वह थे जो वंचित थे, गुलाम थे हिंदू वर्ण व्यवस्था के। और बाबा साहब अंबेडकर जी ने वह कर दिखाया जो उसके बाद आज तक किसी ने नहीं किया। बाबा साहब अंबेडकर जी से पहले सम्राट अशोक, चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। और ये तो एक दुर्भाग्य की बात है कि बाबा साहब अंबेडकर जी बहुत जल्द बौद्ध धर्म दीक्षा लेने के बाद हम सबको छोड़कर चले गए, इस दुनिया को अलविदा कर गए। यदि वह और कुछ साल जीवित रह जाते तो बहुत बड़ा एक चमत्कार हो जाता, एक बहुत बड़ा धर्म परिवर्तन हो जाता, शायद आज के बहुजनों पर अत्याचार होने बंद हो जाते। क्योंकि जब बौद्धिस्ट बन जाते, बौद्ध धर्म सभी अपना लेते, तो कोई हिंदू वर्ण व्यवस्था का गुलाम नहीं रहता। और आज जो हिंदू वर्ण व्यवस्था बनी हुई है, जिसकी चादर ओढ़कर बहुजन समाज के लोगों की मजबूरी बन जाती है, कुछ लोगों की, वह भी नहीं बनती। बाबा साहब अंबेडकर जी के ऊपर एक फिल्म बनी थी, उसका एक दृश्य काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर जी 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर 22 प्रतिज्ञाओं को अपनाया था, 22 प्रतिज्ञाओं का वर्णन किस प्रकार किया था,
जिसके अंदर सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं को खंडित किया था, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को किस तरीके से नकारा था और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हुए 22 प्रतिज्ञाओं का किस प्रकार वर्णन किया था, वह आप देख सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है और मैं महान बुद्ध और उनके धम्म। तो आज के लिए इतना ही काफी, मैं उमेश करुणा आपसे इजाजत लेता हूँ। तब तक के लिए जय भीम जय भारत। इस वीडियो को शेयर कीजिए, जन जन तक पहुँचाइए, क्योंकि बहुजन समाज के लोग जो नहीं पहचान पाते अपनी ताकत को, जो नहीं पहचान पाते अपने उस पुराने घर को जो बौद्ध धर्म का एक मार्ग है, वह जरूर उसको पहचाने। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हरिकथा न्यूज़।